वेलकम टू क्लैरिटी द टॉपिक फॉर टुडे इज वी विल स्टडी अबाउट डिसकंटिन्यूअस डेटा ग्रुप्स ओके सो इन दिस वी विल बी स्टडीिंग हाउ ग्रुप्स वी हैव टू फाइंड की हमें देखना है डिसकंटिन्यूअस डेटा ग्रुप किस तरह से हमें उसका हिस्टोग्राम किस तरह से हमें बनाना है

देखिए बेसिकली या या बोल say, 5 है तो नेक्स्ट जो हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा वो ट्वेंटी वन से थर्टी दिया जाएगा ओके तो इसके हमें मान लीजिए टेन दी है फिर उसके बाद थर्टी वन से फोर्टी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनमें कंटिन्यूटी नहीं है ट्वेंटी के बाद डायरेक्ट ट्वेंटी वन आ रहा है तो हमने जो पढ़ा था कि हिस्टोग्राम की पहली कंडीशन ड्रॉ करने की कि अगर हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है तो जो आपका क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस होना चाहिए पर हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं हो सकता और हिस्टोग्राम की बेसिक वीडियोस मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में बनाई हुई हैं तो प्लीज वॉच द पार्ट वन बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इन कंटिन्यूटी ठीक है तो अब हिस्टोग्राम नहीं बन सकता तो अब हिस्टोग्राम कैसे बनाए तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा इसमें जैसे इलेवन से ट्वेंटी दिया हुआ है और ट्वेंटी वन से थर्टी दिया हुआ है तो हमने देख लिया कि जो एक डिफरेंस है, है? है तो हम लोग क्या करेंगे उस को कर देंगे. तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव तो हम लोग जीरो पॉइंट फाइव की एडजस्टमेंट्स करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कैसे उसे देखो इलेवन से ट्वेंटी था ना अब हम लोग करेंगे नया जो मेरा ग्राफ का फिगर बनेगा तो इसको पहले हम रब कर देते हैं फिगर का हमने देख लिया कि हमें की हमें की एडजस्टमेंट करनी है तो अब जो मेरा नया फिगर या लाइन बनेगी इट विल बी इलेवन से लेकर ट्वेंटी पॉइंट फाइव और इधर ट्वेंटी वन की जगह हम लोग लिखेंगे ट्वेंटी पॉइंट फाइव से लेकर थर्टी पॉइंट फाइव तो हम लोग जो लास्ट लिमिट होती है उसमें तो हम लोग पॉइंट फाइव को प्लस कर देंगे ठीक है और इधर जो हमारी लोअर लिमिट्स होती है यहाँ पे जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उन लोअर लिमिट्स में हम लोग क्या करेंगे जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे तो ये भी ये कितना हो जाएगा दिस विल बी टेन पॉइंट फाइव नाउ ओके तो अब सिमिलरली थर्ड वाले के लिए हम लोग नया क्या लगाएंगे थर्टी पॉइंट फाइव क्योंकि लोअर लिमिट में हमें पॉइंट फाइव माइनस करना है हायर लिमिट में हमें ऐड करना है इसे लेके फोर्टी पॉइंट फाइव तक ओके आई होप आपको समझ में आ गया मैं एक और लिख देती हूँ हायर लिमिट में हमें एडिशन करना है और लोअर लिमिट में हमें सप्रैक्शन करना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाती हूँ जैसे लेट से हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं क्लास इंटरवल मेरे को जो दिया हुआ है लेट से इलेवन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन से थर्टी उसके बाद थर्टी वन से फोर्टी फिर फोर्टी वन से मेरे को फिफ्टी दिया हुआ है इनकी फ्रीक्वेंसी लेट से हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी हम ले सकते हैं okay, हिस्टोग्राम तो की हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए डेटा शुड बी कंटिन्यूअस अब आप देखिए डेटा क्या कंटिन्यूअस है नहीं है क्लास इंटरवल इलेवन से ट्वेंटी है नेक्स्ट ट्वेंटी वन से थर्टी है कंडीशन so, तो फुलफिल नहीं हो रही जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती यू कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम तो हम लोग क्या करेंगे जब मैंने आपको सिखाया है हम लोग पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकालेंगे कि हमें कितनी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करनी है और उसी को देख के वी विल डू द सम सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट के लिए देखिए हमें उसी तरीके से सम करना है जिस तरीके से हम कॉलेज या अपने स्कूल लेवल पे बोर्ड एग्जाम के लिए करेंगे तो सोल्यूशन में आप पहले लिखेंगे कि एडजस्टमेंट लेवल कितनी रहेगी डिफरेंस की फॉर द डिफरेंस इट विल बी वन बाय हाफ इन द अपर लिमिट किसी की भी अपर लिमिट या हायर लिमिट ले लीजिए माइनस द लोअर लिमिट ठीक है तो हमारी क्या है और वो पास सेम होनी चाहिए अपर और लोअर लिमिट मतलब ये और ये इसका डिफरेंस लेना है सो इट विल बी लेट से हायर लिमिट ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी सॉरी इधर एल एल आएगा लोअर लिमिट क्योंकि नेक्स्ट की मतलब नेक्स्ट की इससे नेक्स्ट इसके बराबर आएगा सो इट विल बी अपर लिमिट आप कहेंगे हायर लिमिट तो मैम आपने ट्वेंटी वन को लिखा है मतलब जो उसकी नेक्स्ट क्लास है उसकी हायर लिमिट ट्वेंटी तो ट्वेंटी वन से बड़ा है ना तो इट विल बी वन सो दिस विल बी जीरो पॉइंट फाइव तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव का तो मैम जीरो पॉइंट फाइव के से नया क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा सो आई विल लव दिस इतना तो आपको समझ में आ गया अब देखो जीरो पॉइंट फाइव के से हमें बनाना है सो इट्स वेरी वेरी इजी ऑब्वियस है तो मैं नया क्लास इंटरवल बनाती हूँ तो एक्सक्लूसिव जो हमने अभी बनाया है और नई लिमिट में ऐड कर देंगे तो दैट विल्वेंटी पॉइंट फाइव नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ट्वेंटी और थर्टी में हमें करना, तो इट विलरली थर्टी वन में थर्टी पॉइंट फाइव हो जाएगा और इधर फोर्टी पॉइंट फाइव हो जाएगा तो और इधर लोअर लिमिट में ऐड तो हो जाएगा हमारे अब क्या हमारा अब आप देख सकते हैं हो चुका है। अब, हमारा हो चुका है, तो अब फिर बस सिंपली हमें अब अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंपल एज सच सिंपल मैंने हिस्टोग्राम तो लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ ड्रॉ करना उसमें कोई अलग टफ बात नहीं है सो इट विल बी जीरो क्लास इंटरवल हम लोग ले, ले लेंगे अपना जीरो से और देखिए अब जीरो से हमें टेन तक हमें लेना है जीरो टेन पॉइंट फाइव उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे दिस विल बी ट्वेंटी पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव ट्वेंटी से थर्टी पॉइंट फाइव थर्टी पॉइंट फाइव से आपका रहेगा फोर्टी पॉइंट फाइव एंड देन ठीक है फिफ्टी पॉइंट फाइव और इधर आप ले टू का डिफरेंस हो तो दैट वुड बी टू फोर सिक्स एट टेन एंड लेट मेक इट टू फोर्टीन ठीक है तो ये अभी मैंने कंप्यूटराइज है तो इसमें थोड़ा सा टफ रहता है बनाना बट अगर आप प्रॉपर स्केलिंग और ग्राफ बनाएंगे बहुत इजीली बन जाएगा सो अब देखिए इसके में आपका फ्रीक्वेंसी कितनी है इट्स फाइव तो सिंपली बस आपको फाइव तक जाना है तो फाइव सिक्स और उसके बीच में लाइक करेगा सो ये आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम का ब्लॉक अब ट्वेंटी पॉइंट फाइव थर्टी पॉइंट फाइव का बीच की फ्रीक्वेंसी टेन है तो इसको यहाँ टेन तक एक्सटेंड करिए और नीचे डाउन कर दीजिए

प्रॉपर लिखे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि अगर आपने दिया खाली वन यूनिट और ग्राफ नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा कि ये वन यूनिट किसकी भाई ग्राफ की या क्लास फ्रीक्वेंसी की आपको प्रॉपरली बताना तो पड़ेगा सो so, इसलिए आपको ये सब मैंशन करना जरूरी है ठीक है तो ये आपका था एग्जाम्पल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिसकंटिन्यूस में ये आपका फोर मार्क्स का आता ही आता है फोर मार्क्स का क्यों क्योंकि पहले वो आपको टू मार्क्स में आपसे नई क्लास इंटरवल बनवाते हैं और टू मार्क्स का आपका ग्राफ रहता है टू मार्क्स पर जो ग्राफ भी रहता है उसमें टू मार्क्स पूरे ग्राफ के नहीं होते हैं बाइफकेट हो जाते हैं टू पार्ट में वन मार्क्स फॉर द ग्राफ एंड वन मार्क्स फॉर द स्केल तो इसलिए आप लोगों को स्केल लिखना आना कंपलसरी है सो so, ये एक पूरा क्वेश्चन था ये टू का मैंने लिया है क्वेश्चन इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया और एक टेन ईयर्स का क्वेश्चन भी इजिली हो गया So hope you have understood how you have to make the graph when the discontinuous group data is given to you. If you like this video, kindly go and subscribe to the channel and don't forget to follow our next channel that is Code Effectively. Thank you for watching.